SDF Holistics के प्रणेता हैं डॉक्टर व्यंकटेश जोशी। वैद्यकीय महाविद्यालय में 20 वर्षों तक अनेक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने वाले डॉक्टर जोशी अब तक 10,000 से ज्यादा शस्त्रक्रिया संपादित कर चुके हैं। आपका विश्वास है कि प्राकृतिक औषधियों और होलिस्टिक विचार से रोग मुक्त जीवन प्राप्त किया जा सकता है। इस संकल्पना को साकार करने के लिए आप निरंतर नवीन संशोधनों और अनुसंधान कार्यों में संलग्न हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द शो एसटीएफ होलिस्टिक। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में जोश और उमंग बरकरार रहे तो काम करने का जज्बा बना रहता है और सफलता के द्वार भी खुल जाते हैं। अब ज़िंदगी में जोश और उमंग तब आता है जब आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। हियर कम्स एसटीएफ होलिस्टिक, जो हमें हेल्दी बॉडी के साथ एक्टिव माइंड भी देता है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर वेंकटेश जोशी का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो एसटीएफ होलिस्टिक्स में। नमस्ते। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कैंसर एक ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है जो दबे पांव हमारी ज़िंदगी में प्रवेश कर जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। इसके बारे में हमारे पास पर्याप्त जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, तो आज की हमारी चर्चा का विषय कैंसर रहेगा। डॉक्टर साहब, जैसे कैंसर अपने आप में, कैंसर शब्द एक बहुत बड़ा टैबू है और बहुत तरह के लोग और अलग अलग किस्म की बातें, तो एग्जैक्टली कैंसर होता क्या है? सही है, कैंसर के बारे में बहुत सारा चर्चा होती है, डर होता है, एक आधे बाजू में पेशेंट होता है तो एक दहशत तैयार होती है। कैंसर ऐसा है कि अपने बॉडी में एक समझो एक आधा एक फैक्ट्री होती है। फैक्ट्री में एक 10,000 कामगार होते हैं, उसमें से 10,000 कामगार में पहले 5 कामगार एक अलग माइंड के होते हैं, जैसे टेररिस्ट माइंड के होते हैं जो फैक्ट्री को उड़ाना चाहते हैं ऐसे। लेकिन वो 5 चुप नहीं बैठते, अपने 5 के 25, 25 के 50, 50 के 500 ऐसे उनका मल्टीप्लाई करने की टेंडेंसी रहती है। तो बॉडी में भी ऐसे जैसे एक आधा फैक्ट्री में सेल होते हैं, कामगार होते हैं, वैसे बॉडी में भी एक सेल होते हैं। वो सेल क्या होता है, उसमें से 5 सेल एक कार्सिनोजेनिक हो जाते हैं। जैसे ही कार्सिनोजेनिक वो मल्टीप्लाई बहुत फास्ट स्पीड से होते हैं। और कैंसर की एक विशेषता होती है कि बाकी डिसीज स्लोली प्रोग्रेस करता है, लेकिन कैंसर बहुत फास्ट प्रोग्रेस करता है, इसलिए उसका लाइफ थ्रेटनिंग बन जाता है। जैसे एक आधा डिसीज उसका 3 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, लेकिन इसके कई महीनों में, 1-2-3 महीने में इसका रिजल्ट ये होता है। तो क्यों, वो सेल इतने फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं कि उसकी ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ होने के बाद कहीं गांठ हो जाती है तो उसको कैंसर बोलते हैं। किसी पार्ट में होगा, अभी हाथ में होगा तो हाथ का कैंसर, लीवर में होगा तो लीवर के कैंसर, लंग्स में होगा तो लंग्स का कैंसर, पेट में होगा तो कैंसर पेट का कैंसर, ब्रेन में होगा तो ब्रेन का कैंसर। लेकिन उसके जो ओरिजिनल जो पद्धति है, एक बैड सेल निर्माण होते हैं, कार्सिनोजेनिक सेल तैयार होते हैं और उसके मल्टीप्लाई करने की उनकी एक आदत होती है, स्वभाव होता है। जैसे अभी जैसे फैक्ट्री में आपको एग्जांपल दिया था कि 5 लोग पहले खराब होते हैं, उसके बाद वो खराब वाले लोग 25 हो जाते हैं, 25 के 50 होते, ये होते। लेकिन ये खराब क्यों होते हैं, इसके पीछे अलग है। तो इसके क्यों खराब होते हैं, इसके अभी तक उतना ठोस रीज़न मालूम नहीं हुआ है। अच्छा। जैसे ठोस रीज़न, कुछ रीज़न मालूम होते, जैसे इम्यूनिटी जो डिफेंस या मेकानिज्म जिसको बोलते हैं, रेजिस्टेंस सिस्टम जैसे वीक होना, रोगों से लड़ने की क्षमता, लोगों के लड़ने की शक्ति कम होना। दूसरा ओबेसिटी होना, जैसे कुछ फूड स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, कुछ ड्रग्स ऐसे है, मेडिसिन ऐसे लिए जाते हैं, उसके वजह से एक कार्सिनोजेनिक सेल जो है निर्माण होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं जैसे कुछ टोबैको है, अल्कोहल है, ऐसे भी कुछ पदार्थ है जिसकी वजह से वो सेल निर्माण होने के लिए वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनता है। जैसे एक आधा फैक्ट्री में एक इन्वायरमेंट लगता है ना, तो किसी का कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं है, तो वो तब तैयार हो जाता है। वैसे बॉडी में एक इन्वायरमेंट लगता है, तो इन्वायरमेंट किससे बनेगा, फूड स्टाइल, लाइफ स्टाइल, मेडिसिन, ये वो, इससे बनेगा। लेकिन एक बार वो सेल बनने के बाद वो फास्ट ग्रोथ होती है उनकी, वो एक कैंसर का एक डर है कि विशेषता है। इसलिए इवन कैंसर, एक तो सबसे बड़ा डर कि भी कैंसर कैसे हो जाता है, ये ठीक तरीके से आज तक पता नहीं चल पाया। दूसरी बात ये कि कैंसर का इलाज, उसका जो प्रोसेस आमतौर पे
जो सामने आता है वो बहुत ही खतरनाक और बड़ा ड्रेडनिंग है, तो वो उस प्रोसेस से आप कहाँ तक सहमत हैं? आपके हिसाब से होलिस्टिक चिकित्सा पद्धति उससे भिन्न है या किस तरह से काम करता है? जैसे अभी जैसे जो बेसिक प्रॉब्लम है, जो बॉडी में जो सेल होते हैं, जो 5 या 25 कैंसर के सेल होते हैं, बाकी के अच्छे सेल होते हैं, और वो 25 इकट्ठा बन के गांठ तैयार होती है, लेकिन ये इसमें अच्छे कौन और बुरे कौन ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है। राइट। तो जब आइडेंटिफाई अच्छी तरह से होगा तो तुम जो बुरे को निकाल सकते हैं और अच्छे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये उसकी ट्रीटमेंट है। लेकिन आजकल जो ट्रीटमेंट होती है, एक तो सर्जरी होती है, दूसरा केमो होता है, तीसरा रेडिएशन होता है। ये इस्टेब्लिश 3 ट्रीटमेंट है, पूरी दुनिया को मालूम है, सामान्य लोगों को भी मालूम है, उसे डरते भी हैं लोग। डरते भी हैं, क्यों बोले तो रेडिएशन के भी इफेक्ट होते हैं, जैसे बर्न करना किसी को, तो उसके जो दुष्परिणाम देखते हैं आजू बाजू में क्या होता है, केमो के भी परिणाम देखते हैं, सर्जरी का तो परिणाम होता ही है। डॉक्टर साहब, मैं काफ़ी हद तक आपकी बात समझ पा रही हूँ, लेकिन कहीं दर्शकों के मन में कोई ऐसा सवाल मुझे लग रहा है कि शायद ज़रूर पनप रहा होगा, क्योंकि कैंसर इतनी भयानक बीमारी मानी जाती है। हाँ। और कुछ समय पहले तो लाइलाज बोला जाता था। बराबर। तो अब होलिस्टिक चिकित्सा पद्धति की जो हम बात कर रहे हैं, तो इस चिकित्सा पद्धति में जैसे आपने कहा कि बुरे सेल्स को सिर्फ निकाल दिया जाता है आइडेंटिफाई करके। हाँ। तो एक अनबिलीवेबल सा लग रहा है कि किस तरीके से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हम प्राकृतिक तरीके से ठीक कर सकते हैं, उस बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि ये बिलीवेबल कैसे लगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारे पास 2 तरह के पेशेंट आते हैं, एक तो रेडिएशन केमो ये ट्रीटमेंट करके आते हैं, क्योंकि एक 5 ही साल में एक आधी लेडी एक आधी ओवरी कैंसर से सफर होती है, 2 साल के बाद उसका यूट्रस का कैंसर होता है, और कुछ एक आधा साल के बाद ब्रेस्ट का कैंसर होता है, ऐसी श्रृंखला एक बार दो बार रिकरेंस होने के बाद उसके बाद दिल में एक दहशत या भीति निर्माण होती है और वो इमीडिएट अल्टरनेटिव देखने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही रुग्ण हमारे पास आते हैं, तो उस रुग्णों का जो है पेशेंट का रिकरेंस अवॉइड हो जाता है। तीसरा जो रुग्ण है, दूसरा जो ग्रुप होता है कि बगैर जैसे ही डिटेक्ट हुआ हमारे पास आ जाते हैं, उनका एक विश्वास निर्माण हुआ है SDF होलिस्टिक में, ये सब बीमारी ठीक कर सकते, ये क्यों नहीं ठीक कर सकते। होने का लेकिन इस बीमारी में मैं जैसे आपको पहले बताया, जितना अर्ली डिसीजन हो गया, अर्ली डायग्नोसिस हो गया, उतनी अर्ली ट्रीटमेंट मिलेगी और अर्ली बेनिफिट हो जाएगा। क्यों बोले उस बीमारी का एक वैशिष्ट है कि फास्ट ग्रोथ होती है, 1 दिन भी उसमें इम्पॉर्टेंट है, अगर जल्दी मालूम हो गया और यही SDF होलिस्टिक ट्रीटमेंट से इमीडिएट कंट्रोल हो जाता है। ऐसे हमारे के पास कई रुग्ण हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर आजकल कॉमन हो गया है, क्योंकि जो हार्मोनल टैबलेट जो ली जाती है, चाहे एक आधे लेडी हो उसका बचपन से ही बोलो तो बचपन से 13, 14, 15 साल जैसे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा उसी समय से हार्मोनल पिल्स लेने की हैबिट होती है, परिस्थिति या मजबूरी होती है कुछ कारणों से, तो यही आगे चल के वो कैंसर जैसी बीमारी निर्माण होती है। ये हो गया और कुछ प्रेगनेंसी की वजह से ऐसे हार्मोन्स का पिल्स का यूज़ किया जाता है, तो किसी अगर तुरंत उस लेडी को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो गया तो उसे लेडी को इमीडिएट विदाउट केमो विदाउट रेडिएशन विदाउट सर्जरी भी केमो कैंसर ट्रीट होते और एक आधा साल में ट्रीट होते, जिसके जो रिपोर्ट्स हैं वो नेगेटिव आते हैं, आश्चर्य की बात है। और हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो बहुत सारे मेडिकल फील्ड के लोग हैं, कि उनको मालूम हो जाता है कि ये ट्रीटमेंट करने के बाद ऐसे ऐसे परिणाम होते हैं, इसलिए वो अल्टरनेटिव देखते हैं और उसका परिणाम प्रभाव दिखाई देता है और उसका फायदा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर सच एन वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। आई एम श्योर हमारे दर्शक बिल्कुल इस बात को समझ रहे होंगे और उनके दिल से एक भय भी खत्म हो रहा होगा और उन्हें उम्मीद की किरण दिख रही होगी कि होलिस्टिक चिकित्सा पद्धति में ऐसा मुमकिन है, तो ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इतनी अच्छी जानकारी के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और नई समस्या के साथ, ताकि उसका समाधान हम आपको जरूर दे सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।